ये मंजर देखें आप, ये आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है पता है आपको? मैं बता रहा हूँ आप, ये देखें क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं देखें, ये बच्चा क्या कर रहा है, इसका काम देखो, इसके लिए जुमला तो कहो ना, इतनी खामोशी से देख रहे हैं, इतनी बड़ी फीलिंग, इतनी बड़ी चीज़ है जो दिखा रहा हूँ आपको, पकड़ पकड़ के इनको लेके जाते हैं, टूटी फूटी फालसी बोलते हैं, नमाज है, जगह है, खाना है, वो देखें ये देखें ये देखें, तुझे खुदा की कसम मेरे घर चलो, तुझे खुदा की कसम वल्ला आले, किसी आलम से तर्जमा करा दे इस जुमले का, इतनी प्यारी फीलिंग्स, इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी खिदमात, जन्नत का रास्ता नहीं है तो क्या है, जहाँ फरिश्ते पकड़ के चले जाते हैं, चलें आपकी खिदमत करें, जवार हुसैन की अजमत को देखें आप, किस तरह रास्ते में खड़े हुए, ये क्या करते हैं, ये गाड़ियां भर भर के घरों में लेके जाते हैं, डॉक्सन ये वो पूरी रात उनकी खिदमत करते हैं, पांव दबाते हैं, जो चीज़ें जाते हैं उनको ज़रूरत होती है वो दे देते हैं, सुबह इसी गाड़ी पे छोड़ के इसी रास्ते पर ये करबला लेके जाते हैं, ये रास्ता है करबला का, ये बच्चे इनकी लेडीज़ किस तरह मोहब्बत करते हैं, ये देखो इनको लेके जा रहे हैं पकड़ के ज़बरदस्ती, चलो चलो चलो, अच्छा आपको पता है ये जो होता है मंजर, एक शख्स ने एक पड़ोसी का कोई इस तरह कोई मसला हुआ था, उनका कत्ल हुआ था ना झगड़े वगड़ा में, तो किसी का बेटा शहीद हो गया, तो वो आपस में ही रहती चेलों के अयाम जब आए, उनका कोर्ट में केस वगैरह चल रहा था कत्ल का, कोर्ट के अयाम जब वो करीब आए तो क्या हुआ कि जायरीन जब वो लेकर आए, वो भी लेकर आए, तो एक बंदे को जायरीन नहीं मिले, बाकी एक को मिला, जिसके ऊपर केस था, जो कातिल था, जिनका केस ऊपर केस दाखिल था, उनको जायरीन मिल गए थे, और जिनका बच्चा शहीद हो गया था उनको जायरीन नहीं मिल रहे थे खिदमत के लिए, तो उन्होंने कहा ये जायरीन मुझे दो खिदमत के लिए, मैंने अपने बेटे के कत्ल का केस वापस ले लिया तुमसे, मुझे ये दे दो, मैं जायरीन की खिदमत कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, खुदा की कसम हम देखते हैं गाड़ियाँ भर भर के ये किस तरह खुलूस से लेके जाते हैं, मेरे पास जुमले नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं, तो ये मैं इसको खिदमत करूँगा, इसकी मैं खिदमत करूँगा, वो कहता है मैं लेके जाऊँगा, ये मेरा ज़ाहिर है मैं लेकर आया हूँ, ये मोहब्बत होती है, ये प्यार होती है, और उसे कहते हैं करबला का वो रास्ता, नजफ टू करबला, वाक यही रास्ता है, सफ़र इश्क भी इसे कहते हैं, हाथों को पकड़ते हैं, पाँव को पकड़ते हैं, इनको राज़ी करते हैं, उनको बताते हैं घर में ये चीज़ें मौजते हैं, फिर लोग उनसे पूछते हैं तुम्हारे घर में कौन सी सहूलियात है, वो सारी चीज़ें बताते हैं, या मज़लूम है हुसैन, या हुसैन या गरीब या बाबदिल्ला, ये देखें ना, ये तो खुदा की कसम मेरा घर सामने, दूर नहीं है इधर आओ मेरे साथ आओ, दूर नहीं है इधर आओ मेरे साथ आओ, इससे पहले ये मंज़र देखा है आपने? इस बच्चे के लिए आपने जुमला कहना है, और मैं इसे खर्ची देता हूँ आप सबकी तरफ से, ठीक है? सल्लल्लाहु मोहम्मद। एक और मंजर दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा ये जो लड़का खड़ा हुआ है ये क्या कर रहा है, ये मंजर देखें ना, ये मंजर आप देखें, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेडीज़ हैं, इनको बिठा के घरों में लेके जाते हैं, और उनको खिदमत करके रात को इसी रास्ते पे छोड़ के इस गांव के अंदर सहरा में ये भर भर के गाड़ियाँ उनको लेके जाते हैं, ट्राले ट्रैक्टर डॉक्सन जो भी इनके पास होती है सवारी। अब ये देखें बंदा, ये तो ये कह रहा है अल्लाह की कसम मेरा घर इधर है, दूर नहीं है, बिल्कुल सामने है, आ जाओ। किस तरह इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं,
या सैयद या गरीब या मजलूम या हुसैन। अजीब फीलिंग्स होती हैं, अजीब मंजर होता है, बंदे अगर इसे सोचे रोता रहे। वो मजलूम, वो गरीब, जिनको बच्चे को पानी, जिनकी औलाद को पानी नहीं पिलाया गया, बंद किया गया सादात पे पानी, उनके नाम पर कितनी खिदमत की जा रही है। उधर तक उसको पकड़ के लेके चला, चलो तुझे कसम है मौला की, चलो आ जाओ, जिस पे ज़ियारत के लिए जा रहे हो उसकी कसम है। कसमें देकर इनको लेके जाते हैं, आओ मेरे घर खिदमत करें। मैंने बताया था ना वीडियो में आपको, कहते हैं इनकी माँ इनकी बाप अपने घर में नहीं छोड़ते ज़ायरीन को, जब तक तुम लेके नहीं आओगे तुम घर में नहीं आना। ये देखें कैसे पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। वो उधर तक पीछे उसको पड़ा हुआ है, चलो मेरे घर चलो, मैं चलो मेरे घर चलो। ये देखें ये देखें चलो मेरे घर चलो, खिदमत करूं तुम्हारी। ये जो कावा हम पिला रहे हैं, आपको मालूम हो कि ये ऐसे समझे एंटीबायोटिक है, सर में दर्द खांसी यहाँ की जो भी बीमारियाँ इस तरह, ये सिर्फ कॉफ़ी नहीं है, इसके अंदर 6-7 चीज़ें पड़ती हैं, जड़ी बूटी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुश्किल से बगदाद से मुख्तलिफ शहरों के ढूंढ के इसमें डालते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं
सस्ता लेकिन यहाँ पे पिलाते हैं जायरीन को, वो अलग चीज़ है। जो हमारा गावा है या जिस तरह का जिस तरह की सेटिंग बनी हुई है उनकी, वो जो गावा है जैसे गावा और काफ़ी आप आसान जुबान में समझ सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये जो पिएगा होता तो पीने में कड़वा है, मगर इसका जो फ़ायदा है ना, समझे कि पीने के बाद ही पता चलेगा कि कितना इसका फ़ायदा है। इंशाल्लाह टेस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा पीते हैं, बड़ा मज़ेदार होता है। और सर का दर्द, खांसी, जुकाम और इस तरह की जो रास्ते में तकलीफ होती है, पहले तो नहीं होगी, जो होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। लबे क्या I'm going to go to the hospital.